हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूं आपको नोड जेएस। नोड जेएस में आज हम सीखेंगे कि नोड जेएस को विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो करते हैं स्टार्ट। ब्राउज़र में हम टाइप करेंगे डाउनलोड नोड जेएस और एंटर प्रेस करेंगे। जो भी फर्स्ट लिंक आएगा फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करेंगे हम। देन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे LTS आ रहा है। LTS मतलब ये स्टेबल वर्जन है। अगर विंडोज़ पे करना है, आप विंडोज़ पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड मैक पे करना है तो मैक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो विंडोज़ हमें करना है तो हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं, और देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये डाउनलोड हो गया है, शो इन अ फोल्डर पे क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारा आ गया है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, एक्सेप्ट के चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है नोड जेएस विंडो के लिए। अगर आप लिनक्स पे काम करते हैं तो आपको लिनक्स की जो कमांड विंडो है उसके थ्रू करना होगा। थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में फ्रेंड्स। ये हमारा इंस्टॉल हो गया फ्रेंड्स। बाकी हम विंडोज़ को क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चेक करना है कि हमने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है नोड जेएस का, तो आप टाइप करें CMD एंड प्रेस एंटर करें, एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन होगा। उसके अंदर आप टाइप कीजिए नोड -V और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वर्जन आ गया है 12.16.2। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम जो भी कोड करेंगे नोड जेएस के लिए, उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए होगा। तो बेस्ट एडिटर मैं आपको बताता हूँ, विजुअल स्टूडियो। ठीक है, मैंने उसको इंस्टॉल करके पहले से ही रख लिया है फ्रेंड्स। तो विजुअल स्टूडियो, ठीक है फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नोड जेएस का भी दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, विजुअल स्टूडियो को फ्रेंड्स। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।